हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कल शाम को एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है आप सभी छात्रों के लिए। दोस्तों, आपको वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैं दिखाने वाला हूँ। साथ साथ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2021 में आगामी भर्तियों में बैठने वाले थे, उनके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी दोस्तों राहत की खबर आयोग की तरफ से मिल रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी परीक्षा आयोजित कर रहा दोस्तों, उसमें कुछ भर्तियों में आपको मुख्य परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं दोस्तों जिसमें सीधे पीईटी के बाद भर्ती होगी, वो यहां पर आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी बातचीत करनी है आपको, कोई भी सवाल करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि पीईटी परीक्षा पूरी तरीके से कंपलसरी है, पीईटी परीक्षा होनी ही होनी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ राहत की चीजें निकल के आ रही हैं जिससे पीईटी के बाद सीधी भर्ती भी कराई जाएगी कुछ भर्ती के पदों पर, तो आप लोगों को उस जानकारी को यहां पर वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों, पीईटी की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपका लक्ष्य यहां पर होना चाहिए कि पीईटी को क्रैक करना है 2021 में दोस्तों, और पूरी जानकारी मिलेगी जनवरी में ही इसका फॉर्म निकाला जाएगा। तो आप लोग तैयारी में तेजी लेकर आइए। पीईटी का जो सिलेबस बताया गया है आयोग के द्वारा, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, इन चीजों की तैयारी कीजिए। अगर आपको लेवल नहीं पता है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो यहां पर दोस्तों बी टॉपर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कंबाइन क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पूरे पैटर्न को फॉलो किया गया है, और उसके साथ साथ यूपी लेखपाल का भी पूरा सिलेबस इंक्लूड किया गया है इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, यूपी जी के साथ साथ दोस्तों ग्राम समाज भी यहां पर दिया गया है। हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कवर किए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। उनके बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, देन आपको यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा में पूछे जाने। साथ साथ दोस्तों, पूरे पीईटी लेवल के क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, साथ साथ ग्राम समाज के भी सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। और खास बात की इसमें सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं, 15-15 वीडियो क्लासेस दिए जा रहे हैं। कीमत की बात करें तो मात्र चंद दामों में यहां पर दोस्तों आपको ये क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मात्र 99 रुपीज का क्रैश कोर्स है। बहुत सारे कॉपियां बिक चुकी, जल्दी इसकी कीमत इंक्रीज किया जाने वाला है। कीमत आपको मात्र 99 अभी देना पड़ेगा। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हाईली रेकमेंड करता हूं। भाई देखिए, बेसिक लेवल की तैयारी अगर करना है ना, तो 99 का इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदिए। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं, और इतनी कम कीमत पर दोस्तों 150-200 रुपए तो केवल प्रैक्टिस बुक मिलने वाली है मार्केट में आपको। तो इसको खरीदने में देरी बिल्कुल मत करें। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एंड यूपी लेखपाल के नाम से ब्लू कलर का लिंक, उस पर क्लिक करके नाम, अपना ईमेल आईडी और पेमेंट जैसे ही करेंगे 99 आपके ईमेल आईडी पे सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। जिनको भी लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो नया नियम लागू किया जा रहा है, उसके बारे में बताने से पहले, जो यूपी ट्रिपल एससी ने कल एक नोटिस जारी किया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। उसके बाद में जो जानकारियां निकल के आ रही है उनको मैं बताने वाला हूं। देख सकते हैं, कल जो नोटिस जारी हुई है वो कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 के संबंध में जारी हुई है। उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यह है कल की नोटिस, 5 जनवरी 2021 को दोस्तों यहां पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इनके हिंदी टंकड़ का पूरा शेड्यूल यहां पर जारी दिखाया गया है। यहां पर देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक वाह कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2016 की हिंदी टंकड़ और अंग्रेजी टंकड़ परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो जो आपको नोटिस दिखाए वही नोटिस अपलोड हुआ है आयोग की वेबसाइट पर, जाके देख सकते हैं। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया है कि कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 536 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा के जरिए टंकड़ परीक्षा के लिए 4264 अभ्यर्थी अहर पाए हैं। इनकी देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी टंकड़ परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। टंकड़ परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों के एक विस्तृत एसओपी भी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे यहाँ पर डिटेल में जारी किया गया, आप लोग इसको वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी के बाद में पीईटी के बाद डायरेक्ट आपकी सीधी भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए ये यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं कि देखिए, पीईटी का जो लेवल बताया गया है आयोग की तरफ से, जिसमें सिलेबस उसमें है हिंदी, जीके, रीजनिंग,
मैथ एंड करंट अफेयर ऑल्सो वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यही चीज़ें कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं, छोटे पद हैं सी ग्रेड के, जिसमें यही लेवल के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जब उस भर्ती के लिए एक पहले से ही परीक्षा उस तरीके से उस लेवल जिस लेवल की परीक्षा उस भर्ती परीक्षा का होता है, उसी लेवल का जब आप पहले से एक प्री परीक्षा कर देंगे, तो उसके बाद क्या मुख्य परीक्षा में उसका लेवल आप ही तो करना पड़ेगा। और वो ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें आपको इतना हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं, मुख्य परीक्षा उसकी आयोजित की जाए। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं, उनकी एक पैटर्न है, एक लेवल है, और उस लेवल का तो ये पीटी ही आयोजित करेगा। तो इसलिए अलग अलग लेवल के पीटी आयोजित नहीं कर सकते, इनका पीटी का एक ही लेवल रहने वाला है हर भर्ती के लिए। तो इसलिए जो छोटी भर्तियां हैं जिनमें उसी पीटी लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट परीक्षा में, तो जब पीटी ही करा लेंगे उसके लिए, तब क्या मुख्य परीक्षा में कनिष्ठ सहायक, जैसे कनिष्ठ सहायक भर्ती हुआ, इन सब भी भर्तियों के लिए दूसरा मुख्य परीक्षा जब आयोजित होगा, तो क्या उससे टफ क्वेश्चन तो पूछा जाना पड़ेगा उनको, और वो भर्ती ऐसी है नहीं जिसमें उससे हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसलिए दोस्तों यहां पर आयोग में से जानकारी निकल के आ रही है कि कुछ दो तीन पद ऐसे हैं जैसे स्टोनोग्राफर हुआ, कनिष्ठ सहायक हुआ, इनमें पीटी परीक्षा में जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका स्कोर कार्ड बन जाएगा, उनको डायरेक्ट स्किल टेस्ट के लिए बुला दिया जाएगा, उनकी मुख्य परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती वगैरह जैसे ही आएगी, जैसे मान लिया आपने पीटी सिलेक्शन हुआ, आपका पीटी में स्कोर कार्ड बना, आपका अच्छा रैंक है, अच्छा आपका मेरिट बन गया है, उसके बाद में UP SSC के पास पीटी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया UP SSC की तरफ से कि मान लो सपोज है 1600 पोस्टों के लिए कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई है, आप कनिष्ठ सहायक की भर्ती करनी है UP SSC को 1600 पदों पर, तो उसकी मुख्य परीक्षा ना आयोजित करके जो उसके बाद में एक स्किल टेस्ट है, जैसे यहाँ पर जो टंकड़ वगैरह है, आपको सभी को पता है टाइपिंग टेस्ट वगैरह कनिष्ठ सहायक में, तो डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए लिस्ट जारी कर दी जाएगी आपके UP SSC पीटी परीक्षा के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। जितनी भी भर्ती 1600 मान लो पद है, उसका 15 गुना छात्रों को पीटी में सिलेक्टेड छात्रों को पीटी में सिलेक्टेड 15 गुना छात्रों को बुला लिया जाएगा UP SSC कनिष्ठ सहायक के टाइपिंग टेस्ट के लिए, डायरेक्ट उनकी मुख्य परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी राहत की चीज़ है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि क्या ये जो आयोग ने विचार विमर्श किया है, क्या बिल्कुल सही है या नहीं सही है। आप सभी छात्रों को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलने वाली है जो कनिष्ठ सहायक या स्टोनोग्राफर वगैरह की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हालांकि लेखपाल वगैरह की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, इसमें ऐसी नहीं होने वाली है, लेकिन जो कनिष्ठ सहायक वगैरह है दोस्तों, जिनकी कनिष्ठ सहायक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्टोनोग्राफर के लिपिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पीटी में आप सिलेक्टेड हैं तो जैसे ही इसकी भर्ती आएगी, डायरेक्ट आप टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग, अच्छा आपका मेरिट बना है, UP SSC PET का स्कोर कार्ड अच्छा बना है, तो डायरेक्ट आपका टाइपिंग में बुला लिया जाएगा और आपको मुख्य परीक्षा से बचा दिया जाएगा और आप खुद इसमें तैयारी करने से बच जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा फैसला लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग एग्री हैं, आप लोगों को भी लग रहा है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आयोग ने छात्र हित में कोई कुछ सोचा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए ऐसा या फिर नहीं होना चाहिए, ताकि आयोग फाइनल डिसीजन ले सके इस पे और आप सबके हित में डिसीजन हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, लेकिन पीटी पे आपको ध्यान रखना होगा। पीटी क्रैक करेंगे ना, पीटी सिलेक्शन अच्छा ले लेंगे, पीटी में अच्छा स्कोर कार्ड बन जाएगा, तो आपको इन भर्तियों का मुख्य परीक्षा देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको तैयारी डट के करना है, पहली बार में पीटी क्रैक करना है। लिंक पीटी के क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनको लेना है जाइए खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दे। 19 बहुत ज्यादा कीमत नहीं है दोस्तों, अभी खरीदी। और सासा ग्राम समाज भी यहाँ पर कवर किया, यूपी लेखपाल भी सिलेबस आपका पढ़ते रहिए, ताकि आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने, कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं।